साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला T20 मुकाबला में ऋतुराज गायकवाड ने लगाया फिर से इस साल के दूसरा शतक। तूफानदार शतक से थर थर कांपने लगा साउथ अफ्रीका। ऐसे में साउथ अफ्रीका मुकाबले को हार गया लेकिन भारत कैसे मुकाबले को जीता, रिंकू ने कितने रन बनाए, उसी के साथ जसवाल ने कितने रन बनाए, सब कुछ बताएंगे आज किसी मुकाबले के पूरी हाईलाइट के अंदर। लेकिन उससे पहले आप लोग भी चाहते हो कि ऋतुराज गायकवाड को T20 वर्ल्ड कप में मौका मिलना चाहिए या तो नहीं, आप लोग नीचे एक कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों इन बताओ सभी जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम को 3 T20 सीरीज खेलने वाली थी। उसके लिए दोस्तों भारतीय टीम आज पहला T20 के लिए उतर गई थी मैदान के अंदर। तो मैदान पर उतरते ही भारतीय टीम ने सबसे पहले टॉस जीता और सामने था एडन मैक्रम, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान सूर्य ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के लिए निर्णय किया। डर्बन क्रिकेट ग्राउंड पर पिच बहुत ही शानदार था, इसके लिए भारतीय टीम ने सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए निर्णय किया। तो बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में लगा दिया 230 रन और 4 विकेट मात्र खोकर और गायकवाड ने लगा दिया तूफानदार अंदाज से शतक। आप सभी को बताने जाएंगे दोस्तों, आप सभी को आज किसी मुकाबले की पूरी हाईलाइट आज किसी वीडियो में मिलने जा रही है, इसलिए आप लोग इसी वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार जोड़ रहे हो तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आप लोग जानते हो कि भारत और साउथ अफ्रीका अंदर 3 T20 आगाज होने जा रही है। उसके लिए दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका अंदर आज पहला प्रैक्टिस मुकाबला खेला गया था जिसमें दोस्तों 20-20 ओवर दोनों टीम को मिल गया था और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य ने आज टॉस जीता और सूर्य ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के लिए निर्णय किया। तो भारतीय टीम की तरफ से दोनों तूफानदार बल्लेबाज यानी ऋतुराज गायकवाड और जसवाल पारी के आगाज करने के लिए डर्बन क्रिकेट ग्राउंड पर चला गए और पहले गेंद खेलते ही जसवाल ने छक्का लगा डाला। तो उसके साथ पहले ओवर में भारतीय टीम को मिल गया 15 रन जसवाल के बल्ले से, लेकिन दूसरे ओवर में भी दोस्तों उनके साथ ही ऋतुराज गायकवाड थे जिनके बल्ले से आज छक्के की बारिश हो गया। ऋतुराज गायकवाड ने आज आते ही पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौकी के साथ शुरुआत कर डाला, लेकिन उनके सामने बहुत ही बड़ी गेंदबाज था यानी दोस्तों जो कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी के सामने बहुत बड़ी बड़ी गेंदबाज सामने किए, लेकिन आज कोई भी साउथ अफ्रीका के गेंदबाज नहीं चलते पड़े क्योंकि केशव महाराज ऐसी मात्र गेंदबाज आज बने जिनको आज 2 विकेट मिला, वो भी दोस्तों जसवाल और आयर के रूप में। आप सभी का बताता चले कि भारतीय टीम के सलामी ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड आज नॉट आउट पारी 39 गेंदों में 119 रन की नॉट आउट पारी खेल डाली, जिसमें ऋतुराज गायकवाड के स्ट्राइक रेट के साथ उनकी औसत काफी शानदार था। ऋतुराज गायकवाड ने फिर दिखा दिया कि अपनी पावर को क्यों उनको ऋतुराज गायकवाड बोला जाता है और फिर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला T20 से पहले राज कर चुके ऋतुराज गायकवाड। गायकवाड ने आज लगाया ऋतुराज गायकवाड ने आज 6 चौके के साथ 12 गगनचुंबी छक्का लगा दिया, वो भी काफी शानदार स्टाइलिश की शॉट में। और उसके बाद भारतीय टीम की तरफ से इस साल T20 में दोस्तों ऋतुराज गायकवाड शतक की पारी खेल चुके हैं। ऐसे में उनके साथ ही जसवाल की अगर बात की जाए तो 13 गेंदों में 30 रन की पारी खेल डाले जिसमें 4 छक्के के साथ 3 चौका शामिल था और उनका विकेट मिल गया केशव महाराज को। केशव महाराज आए, केशव महाराज उनकी विकेट को ले गए और 5वें ओवर में मिला भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी झटका लग गया और साउथ अफ्रीका को मिला पहला विकेट। लेकिन साउथ अफ्रीका तभी खुश होने वाली थी लेकिन उनके सामने आकर पहुंच गया उनके बाप यानी दोस्तों श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर आते ही 3 गेंदों में 3 छक्का लगाकर बहुत बड़ा रन खड़े कर तोड़ डाला, तो उसी का साथ 3 चौका भी शामिल कर डाला और आज श्रेयस अय्यर ने 25 गेंदों में 49 रन की पारी खेल डाली। लेकिन छक्का लगाने वाले थे लेकिन स्टेड में दोस्तों एडन मैक्रम थे और एडन मैक्रम के हाथ में दे बैठे गेंद को और चलते पड़े पावलन की रात में और केशव महाराज को मिल गया आज किसी प्रैक्टिस मुकाबला में दूसरा विकेट। लेकिन तभी आते हैं रिंकू सिंह। सूर्या ने आज नहीं आया ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए क्योंकि ओवर कम था और ऋतुराज गायकवाड की पारी बहुत बड़ा शानदार था, रिंकू सिंह को भेजा दिया गया। रिंकू सिंह ने 8 गेंदों में 32 रन की नॉट आउट पारी खेल डाली और 5 गगनचुंबी छक्का लगा डाली। रिंकू सिंह के स्ट्राइक रेट आज काफी शानदार था और साउथ अफ्रीका की आज पूरी की पूरी धज्जियां भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज ने उड़ा दिए। लेकिन उसके बाद वापसी होता है साउथ अफ्रीका क्योंकि साउथ अफ्रीका जाकर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका हराना इतना मुश्किल नहीं था, उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौती था रेजा हेंड्रिक्स एडन मैक्रम के रूप में। असम भारतीय टीम जब गेंदबाजी करने उतरी तो पावर प्ले के अंदर रविंद्र जडेजा को गेंद थमा दिया गया और रविंद्र जडेजा आते ही पहली गेंद में पहला विकेट ट्रिस्टन स्टुप्स के रूप में ले लिया। ट्रिस्टन स्टुप्स ने आज
25 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए और 25 गेंदों 25 रन बना करने के बाद ट्रिस्टन स्टुब रविंद्र जडेजा के हाथों में गेंद डाल दे बैठे और रविंद्र जडेजा को पहली गेंद पे पहला विकेट मिल गया, जो कि सातवीं ओवर में पहली गेंद का पहला विकेट जडेजा को मिल गया। उसके साथ भारतीय टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा ने आज 5 विकेट चमकाया, जो कि बड़ी बड़ी विकेट था। उसी के साथ मोहम्मद सिराज को 3 विकेट मिला तो कुलदीप यादव को 1 विकेट मिल गया। तो उसी के साथ आज रीजा हेंड्रिक्स ने लगाया 20 गेंदों में 39 रन, जो कि धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम की जब गेंदबाजी अटक आई तो रविंद्र जडेजा ने पूरी दबाव कर डाला साउथ अफ्रीका के खिलाफ और एडन मार्करम ने आज लगाया 68 रन। तो उसके बाद जडेजा भी उनका विकेट ले लिया। हेनरिक क्लासन 11 पर भी आउट हो गए। तो उसके बाद उम्मीद था डेविड मिलर के रूप में, लेकिन गेंद भी कम था। डेविड मिलर चलते पड़े फिर मोहम्मद सिराज की गेंद पर। डेविड मिलर मात्र 30 रन बनाकर पाबरी लड़ गए। ऐसा कुछ था आज किसी मुकाबले की प्रैक्टिस मुकाबला, जिसमें साउथ अफ्रीका ने आज किसी प्रैक्टिस मुकाबले का हार चुके और 180 रन पर ही चलते पड़े साउथ अफ्रीका। ऐसे में कल जो मुकाबला होने जा रही है भारत और साउथ अफ्रीका अंदर पहला टी20 मुकाबला, उस टी20 मुकाबला को कौन सी टीम जीतेगी, इस बात को नीचे कमेंट कर जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।